हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कमेंट भी आ चुका है कि सर जो है हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें और प्रश्नों को हम कितना समय दें जिससे हमारा कोई भी प्रश्न छूटे ना, सारे प्रश्न अच्छे तरीके से लिख जाएँ, ठीक है। कोई भी प्रश्न ना छूटे, अच्छे से लिख जाए। तो देखिए, आप सभी लोगों को टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये सारी बात मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आपके पास भी एक एक मिनट का जो समय है वो बहुत ही मूल्यवान है। तो यहाँ पर बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत ही हम बेस्ट बात बताने जा रहे हैं कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है, कैसे प्रश्नों का उत्तर देना है और किस प्रश्न का उत्तर आपको कितने समय में देना है, जिससे जो है आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक भी गेन कर पाएँ। पता लगे प्रश्न में पूछ कुछ और रहा है और तुम लिख कुछ और रहे हो, ठीक है, पूछ रहे हैं दो चीज़ें, ठीक है। अब वो प्रश्न पत्र में मान लीजिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, उसके आगे अंक लिखा है 1+1। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उस प्रश्न में दो बातें पूछी गई हैं, आपको उन दो बातों को लिखना है। और पता चल रहा है कि आप एक ही बात का उत्तर जो है बढ़िया छाप रहे हो आधे पेज में, तो आपको अंक दो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी बात को समझिएगा, मैं आपको कैसे बताऊँगा ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो बात, आपका जो हिंदी का पेपर है वो दो खंड में बटा हुआ है, का और खा में, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रश्न पत्र को आप जो है 5-6 मिनट जरूर देख लीजिएगा एक तरीके से, क्योंकि जब आप एक बार पूरे प्रश्न पत्र को देख लोगे ना तो आपके दिमाग में पूरी जो है हिस्ट्री, मतलब पूरा जो है आपका डायग्राम जो है बन जाएगा कि कैसे से प्रश्न पूछे गए हैं, हमें कैसे उत्तर देना है, क्योंकि आप यहाँ से लर्न करके जाओगे। तो प्रश्न पत्र एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, अनिवार्य रूप से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिर देखिए आपको करना क्या है, अपनी कॉपी पर रोल नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने जो है वहाँ पर जो भी सर हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा, बिना पूछे मत भरिएगा, क्योंकि अगर आपने पहले पेज पर कोई भी गलती कर दी तो फिर पूरे पेपर में आपके दिमाग में टेंशन रहती है और जो प्रश्न आता होगा होता है वो भी आप गड़बड़ कराते हैं। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा, ठीक है, पहले दिन अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपका जो हिंदी का प्रश्न पत्र होगा आपका खंड का स्टार्ट होगा, तो आप जो है लिखिएगा खंड का, ठीक है, ऐसे। उसके बाद लाइन अभी नहीं खींचना है आप सभी को, ठीक है, आपको खंड का लिख देना है बढ़िया अच्छे तरीके से आपको ऐसे। उसके बाद आपको डालना है आंसर नंबर 1, क्या डालना है, आंसर नंबर 1। तो आंसर नंबर 1 में आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप सभी को पता है कि टिक करने वाले होंगे। तो आपको क्या करना है, आंसर नंबर 1 डालने के बाद लाइन वाइन आप अभी नहीं खींचना, उसके बाद यहाँ पर का लिखना, फिर एक या दो लाइन छोड़ने के बाद खा लिखना, फिर दो लाइन छोड़ने के बाद गा लिखना, फिर दो लाइन छोड़ने के बाद घा लिखना। इस तरीके से पाँचों बहुविकल्पी प्रश्न का जो उत्तर है, जो उत्तर है उस उत्तर को लिखने के बाद आप टिक कर दीजिएगा, जो उत्तर है उसको लिखने के बाद आप टिक कर दीजिएगा, लिखने के बाद आप टिक कर दीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो आपके अंक पूछे, जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5ों प्रश्नों का उत्तर आपको कितने समय में देना है, 5 मिनट में ही देना है, समझ लीजिए पूरी बात। हम प्रत्येक प्रश्न को बताएंगे कितने समय में उसका उत्तर देना है, ठीक है, उतने समय में उत्तर दोगे तब तो आपका प्रश्न पत्र पूरा अच्छे तरीके से हल हो जाएगा, एक बार मिला भी लोगे, क्योंकि मिलाना प्रश्न पत्र को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉपी पर जब पूरा लिख चुके तो आपको मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप चाहे जितना अच्छे तरीके से लिखिए अगर आप मिलाते नहीं तो कोई ना कोई प्रश्न छूटेगा जरूर, चाहे देख लीजिएगा घर पर आकर, ठीक है। तो 5 मिनट का समय देना है इन 5 प्रश्नों का उत्तर देने में, ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा। लाइन वाइन ड्रा करने में अपना समय अभी व्यस्त नहीं, मतलब ज़्यादा होना कि लाइन वाइन अभी से इसके नीचे ड्रा करने लगो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको यहाँ पर हम ड्रॉप करते हैं। फिर आपको आंसर नंबर 2 डालना है, क्या डालना भाई, आंसर नंबर 2 डालना है। और आंसर नंबर 2 में भी आपके का खा गा घा अंगा 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर लिखने के बाद आपको टिक कर देना है। और इसमें भी आंसर नंबर 2 में भी आपको क्या करना है, 5 मिनट का समय ही लेना है, 5 मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं लेना है भाई, ठीक है ना।
तो मेरा डस्टर नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, आंसर नंबर टू जो है उसमें पांच बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, का खा गा घा अंगा करके, आपको 5 मिनट के अंदर पांचों प्रश्न का जवाब देना है, ठीक। जवाब देने के बाद आपको टिक कर देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए का नंबर का आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है, तो फोर्थ ऑप्शन डाल के लिख करके उसको टिक कर दीजिएगा बस, ठीक है। 5 मिनट में आपको ये काम करना है, तो आपका जो आंसर नंबर वन हो जाएगा, आंसर नंबर टू हो जाएगा, उन दोनों प्रश्नों का उत्तर टोटल कितने समय में देना है आपको, 10 मिनट में। एक भी मिनट आपको ज़्यादा नहीं लेना है, कम लीजिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत लीजिए। और राइटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा काटा पीटी ना हो, ये आप सभी लोगों को ध्यान देना है। हिंदी के प्रश्न पत्र में राइटिंग का विशेष योगदान होता है, ठीक है। चलिए फिर अब ये इस तरीके से आपका जो आंसर नंबर टू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको डालना है आंसर नंबर थ्री, आंसर नंबर थ्री। अब आंसर नंबर थ्री का टाइप क्या होता है, आंसर नंबर थ्री में गद्यांश पूछा जाता है, संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाती है, ठीक है। तो जो आंसर नंबर थ्री होगा इधर से लिख रहे हैं, ठीक है, यहां से आंसर नंबर थ्री, आंसर नंबर वन और टू इसको भी यहां पर लिख देते हैं। आंसर नंबर वन व टू के लिए आपको 10 मिनट का समय लेना है, पांच प्रश्न बहुविकल्पी पहले प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरे में, और आंसर नंबर थ्री में आपसे गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जो भी गद्यांश वाले आपके चैप्टर उनके लेखकों का नाम अनिवार्य रूप से याद कर लीजिए, ठीक है। संदर्भ सहित व्याख्या करने में चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है। तो जो गद्यांश होता है संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाती है, इसमें आपसे पांच प्रश्न पूछे जाते हैं और पांचों प्रश्न का उत्तर आपको दो दो तीन तीन लाइन में, मतलब एक प्रश्न का उत्तर दो लाइन में एक लाइन में इसी तरीके से देना रहता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अगर समय लेना है तो बस आप 15 मिनट ले सकते हो, 15 मिनट से कम ही समय लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, फिर नहीं आगे के प्रश्नों में आप समय नहीं दे पाओगे, और जब समय नहीं दे पाओगे तो आगे के प्रश्न जो होंगे वो ज़्यादा क्वेश्चनों में ज़्यादा नंबर में पूछे जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होने लगेगी, आप जो है उसमें ज़्यादा अंक नहीं गेन कर सकते हो। तो 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और आपको मात्र 15 मिनट का समय देना है आंसर नंबर थ्री में, जिसमें आपको गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आपका जो आंसर नंबर फोर होगा, क्या होगा आपका आंसर नंबर फोर, आंसर नंबर फोर में आपसे क्या पूछा जाएगा, आंसर नंबर फोर में आपसे पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको क्या करना है, जो भी आपके चैप्टर हैं उनके कवियों के नाम आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। 5 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएंगे, एक एक दो दो लाइन में, कोई प्रश्न एक, किसी प्रश्न का उत्तर एक लाइन में होगा तो किसी प्रश्न का उत्तर दो लाइन में होगा, और मैक्सिमम आपको 15 मिनट, ये मैक्सिमम टाइम मैं आपका समय लिख रहा हूँ, पूरा टाइम आपको जोड़ के भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बस मैक्सिमम आपको 15 मिनट का समय देना है, बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि 15 मिनट से कम समय देना पड़े तो बहुत ही अच्छी बात है, राइटिंग का विशेष ख्याल आपको रखते हुए चलना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा जब हल करना है, आंसर नंबर आपको डाल देना है 5, और आंसर नंबर डालने के बाद एक लाइन छोड़कर तब आपको उत्तर लिखना है, फिर जब उत्तर लिख लो ना फिर दो लाइनें छोड़ देना, ठीक है, आपके पास कॉपी में पर्याप्त जगह होती है, ठीक है। इसी तरीके से कॉपी मैंने लिखी थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा अंक भी गेन किए थे, 92-93 अंक हमारे हिंदी में थे। इसी तरीके से फिजिक्स की भी लिखी थी, मैथ की भी लिखी थी, जिसमें हमने 95 अंकों का स्कोर किया है, ठीक है। आप इससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, मैं नहीं कहता हूँ कि 95 ही आप गेन कर सकते हो, आप इससे भी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो, लेकिन आप अपनी राइटिंग पर ख्याल रखिए, अपने प्रत्येक प्रश्न के समय पर ख्याल रखिए, ठीक है। तो आंसर नंबर 5 का जो टाइप है, आंसर नंबर 5 में जीवन परिचय पूछा जाता है लेखक का, ठीक है। तो लेखक के जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो आप क्या कीजिएगा, शुरुआत के जो आपके 3 या 4 लेखक हैं उनका जीवन परिचय आप तैयार कर डालिए। जीवन परिचय में उनकी मृत्यु, ठीक है, उनका जन्म और उनका जो विशेष योगदान है, और विशेष तौर पर उनकी रचनाएं, साहित्यिक योगदान याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन परिचय जो आता है, जीवन परिचय जो आता है, ध्यान दीजिएगा इधर, ये नहीं कि पता लगे आप कहानी लिख डालो, ठीक है, और कहानी लिखने के बाद आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जीवन परिचय में अंक आपके डिवाइड होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, जीवन परिचय में 3+2=5 है, इसका मतलब भैया क्या है, 3 अंक आपको मिलेंगे जो आप लेखक के बारे में लिखेंगे उसके मिलेंगे, मतलब आप उनके माता का नाम, पिता का नाम, जीवन, जन्म स्थान, ठीक, ये सब लिखोगे, 3 अंक उसके मिलेंगे आपको। और रही बात ये जो 2 अंक वाली बात है, ये 2 अंक तब आपको मिलेंगे 5 में, जब आप उनका साहित्य, उनकी रचनाएं, उनकी कृतियों पर आप प्रकाश डालोगे,
ठीक है, कम से कम प्रत्येक लेखा की चार चार तीन तीन दो दो कृतियां आप सभी को आना अनिवार्य ही है। तो इस तरीके से आप जो है अपने जीवन परिचय में 5 अंक प्राप्त कर सकते हो। अब ये नहीं पता लगे एक पन्ना लिख डरो पूरा गाथा और उसमें रचना एको ने लिखी हो, तो 5 अंक आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिलेंगे। और अगर आपको पूरे में पूरे अंक लेना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब जीवन परिचय लिखना तो जहाँ पर आप मृत्यु और जन्म स्थान लिखना वहाँ पर, जैसे आप नीले पेन से लिख रहे हो तो जो मेन चीज़ है उसको आप काले से लिख देना, फिर जो मेन चीज़ उसको काले से लिख लेना, अंडरलाइन भी आप कर सकते हो, और कृतियाँ लिखना तो वो आप अंडरलाइन करके लिख सकते हो काले पेन से। ठीक, इससे क्या होगा कि जो आपका कॉपी चेक करेगा वो बस ये मेन चीज़ें देख कर ही आपको पूरे अंक दे देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 + 2 = 5 होता है, इसका मतलब आपका जन्म स्थान और ये सब देख करके 3 अंक यहाँ से मिल जाएंगे, कृतियाँ देख करके 2 अंक वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपकी कॉपी चेक हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा अंक आपको मिलेंगे। फिर हम बात करें आंसर नंबर 6 की ओर, तो आंसर नंबर 6 में भी भैया आपको यही करना है। आंसर नंबर 6 में वहाँ पर आपसे किसी कवि के बारे में पूछा जाएगा तो उसका भी जीवन परिचय इसी तरीके से देना, वहाँ पर भी 3 + 2 का फार्मूला लगता है और 5 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। हाँ, बात आई कि समय कितना देना है सर जी जीवन परिचय में, तो जीवन परिचय में भैया बहुत ज़्यादा समय देना है, तो 15 मिनट का इसमें और 15 मिनट का इसमें। अब आप कहोगे सर जी इतने में, देखिए आपको स्पीड भी अपनी मेंटेन रखनी है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना रहता है, तो 15 मिनट के अंदर भैया ये लिख जाना चाहिए अनिवार्य रूप से। आप घड़ी जरूर पहन कर जाएं, अदरवाइज आपके प्रश्न छूटेंगे जरूर हिंदी प्रश्न पत्र में। ठीक है ना, तो बहुत है, बस आपको 15 मिनट का समय लेखक में देना है और 15 मिनट का समय कवि पर देना, ये मैक्सिमम समय है। अगर इतने में आप नहीं लिख पा रहे हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर बढ़ते हैं अपने अगले आंसर, आंसर नंबर इधर लिख देते हैं, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा 7। अब आंसर नंबर 7 का टाइप क्या है हमारा, आंसर नंबर 7 में स्वपठित खंड काव्य के आधार पर कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको देना रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए पंचलाइट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, क्वेश्चन नंबर जो 5 मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे जीवन परिचय पूछा जाएगा एक लेखक का और एक कवि का। ठीक है, दोनों पर 15 15 मिनट का समय देना है। और क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये पूछा जाएगा कहानी तत्व के आधार पर पंचलाइट जैसे है बहादुर, कर्मनाशा की हार, इस तरीके से कहानी की समीक्षा करने के लिए बोलेगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो कहानी की समीक्षा करने के लिए बोलेगा इसमें आपको मात्र 80 शब्दों में लिखना है। 80 शब्दों में मतलब जो है आप अगर लिखना चाहोगे तो लगभग करीब करीब एक पेज पहुँचेगा बस। ठीक है, थोड़ा दूर 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 लिखोगे तो राइटिंग अच्छी लगेगी, तो 80 शब्द लिखना है, तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए इसमें भी हम क्या ले लेंगे भाई, 15 मिनट का समय ले लेंगे। ठीक है, 15 मिनट का समय ले लेंगे और ये 5 अंक का आता है प्रश्न। ठीक है, तो 5 अंक पाने के लिए आपको कोई चीज़ यहाँ पर फालतू नहीं लिखनी है, जो मेन है जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसी को लिखना है और 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना है, कतई नहीं लेना है। ठीक है, आंसर नंबर 6 के लिए। और आंसर नंबर 7 के लिए अगर बात करें, आंसर नंबर 7 में आपसे क्या पूछा जाएगा, आंसर नंबर 7 में आपसे ये पूछा जाएगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जैसे मुक्ति यज्ञ या त्याग पथी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो वहाँ पर भी समीक्षा करने के लिए आपसे बोला जाएगा और शब्द आपको कितने लिखने रहेंगे, 80 शब्द। 80 शब्द प्रश्न में बोला जा रहा है, मैक्सिमम आप 80 से 90 शब्द लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर अब ये नहीं कि गाथा लिखते चले जाओ तो फिर आप लिखते ही रहे हो, ठीक है, आधा आधा एक घंटा घंटा इसी में लगा रहे हो, तो फिर आगे भैया आपको निबंध भी लिखना है और निबंध आपको सोच के लिखना रहता है। ठीक है, और निबंध में अगर आप पूरी ऐसे कोई कहानी लिख दोगे तो नंबर आपको पूरे नहीं मिल पाएंगे, अभी हम आपको बताएंगे कि निबंध में पूरे नंबर आपको लेना कैसे है। आपको यहाँ पर 80 शब्दों में उत्तर देना है, तो 80 शब्दों में उत्तर देना है तो यहाँ पर भी हम समय ले लेते हैं मैक्सिमम 15 मिनट का समय। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर अगला जो हमारा आंसर नंबर होगा वो आंसर नंबर आपका होगा 8। ठीक है, टोटल प्रश्न यहाँ पर कितने आते हैं, टोटल प्रश्न आते हैं 14, इसलिए समय को बहुत ध्यान में रखकर प्रश्नों को हल करना है। तो आंसर नंबर 8 में आपसे क्या पूछा जाएगा, संस्कृत में संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाएगी, इसमें भी आपका फार्मूला अंक जो मिलते हैं 2 + 5 करके आपको 7 अंक यहाँ से मिलते हैं, अच्छे खासे अंक यहाँ से भी मिलते हैं स्कोर करने के लिए, तो जो 2 अंक मिलते हैं वो आपको मिलते हैं संदर्भ लिखने के लिए और 5 अंक जो मिलते हैं वो व्याख्या। अब व्याख्या यानी कि कहानी के तरीके से लिखते चले जाओ, यहाँ पर अनुवाद करना रहता है आपको। ठीक है, तो आपको जो है अपनी जो मीनिंग है वो तैयार करना रहेगा आपको यहाँ पर, तो अनुवाद बहुत सोच समझ के करना और संदर्भ में पाठ का जो नाम है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो जो आपका लिया जाएगा
पैराग्राफ वो आपका किस चैप्टर से लिया गया वो आपको संदर्भ में लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दो अंक तभी आपको यहाँ से मिलेंगे, ये नहीं तो अगर आप केवल इसी को लिख देते हो, ये संदर्भ नहीं लिखते हो, तो आपको 5 अंक ही मिलेंगे। ठीक है, तो 7 अंक लेने के लिए आपको संदर्भ चैप्टर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और मैक्सिमम इसमें समय आपको कितना लेना है, बहुत ज़्यादा भैया 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन होगा आंसर नंबर 9। ठीक है, आंसर नंबर 9 में क्या होगा, किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर पूछेगा, तो हो सकता है 4 प्रश्न दिए जाएं, 4 में से 2 करने रहेंगे। सोच समझ के आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम समय देना है, तो भैया 5 मिनट का समय देना है, और यहाँ से आपको जो अंक मिलेंगे वो 4 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट से ज़्यादा अगर समय देंगे आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। आंसर नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। आंसर नंबर हमारा जो 10 होगा उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, आंसर नंबर 10 में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस रस कोई पूछ लिया जाएगा, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। ठीक है, अब रस में पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे कैसे, आपको जिस भी रस, जैसे करुण रस पूछा गया तो करुण रस की परिभाषा लिख देना, ज़्यादा बवाल नहीं लिखना, उसके बाद उसका एक बढ़िया सा अच्छा सा उदाहरण दे देना, और जो उदाहरण लिखना वो आप काले पेन से लिख देना। ठीक है, बस आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तो रस में भी आपको 2 अंक पाने के लिए 1+1 का फार्मूला लगता है, 2 अंक पाने के लिए आपको परिभाषा 1 नंबर की लिखनी रहेगी, 1 नंबर का उदाहरण। अब आप ये सोचो कि हम रस की परिभाषा लिखे हैं तो हमको 2 मिल जाएंगे, तो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद रस के बाद इसी में आपको अलंकार मिलेगा, तो अलंकार में भी आपको 1+1 का यहाँ पर फार्मूला लगेगा, 1+1 यानी अलंकार की परिभाषा, उसका उदाहरण। उसके बाद यहाँ पर चौपाई छंद वगैरह वगैरह में पूछा जाएगा, तो चौपाई छंद वगैरह वगैरह में मात्रा पर विशेष तौर से ध्यान देना होता है। ठीक, तो चौपाई छंद में भी आपका 1+1 का ही फार्मूला लगता है, टोटल यहाँ से जो अंक हैं आपको 6 अंक गेन होते हैं। लेकिन आप कहोगे कि सर जी आंसर नंबर 10 का उत्तर हम कितने समय में ओवरऑल दें, तो भैया 5 मिनट रस में ले लेना, 5 मिनट अलंकार में ले लेना, 5 मिनट चौपाई में ले लेना, 15 मिनट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना, नहीं तो फिर हो सकता है लास्ट में आपको गाना गाना पड़ जाए। गाना गाने का मतलब समझते हो, आप टेंशन से फिर घर आओगे, क्योंकि प्रश्न पत्र आपका आता सब होगा लेकिन आप पूरा लिख नहीं पाओगे, कहोगे हमको सब आता था लेकिन समय नहीं मिला। ठीक, तो समय को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर हमारा अगला प्रश्न होगा आंसर नंबर 10 के बाद आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11 में आपसे क्या पूछा जाएगा, आंसर नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा निबंध कोई। ठीक है, अब निबंध मैं आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ भैया अपने अनुभव के आधार पर, इनको जरूर तैयार करके जाना। निबंध में जैसे आपसे पूछा जा सकता है पहला बेरोजगारी की समस्या, और दूसरा निबंध आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर के बारे में, आधुनिक युग में कंप्यूटर का योगदान, और तीसरे नंबर पर विज्ञान में आ सकता है वरदान या अभिशाप के बारे में, या अभिशाप, ये लिख लेना और चाहे देख लेना पेपर देने के बाद, लगभग में एक इन्हीं से आएगा। और चौथा महंगाई की समस्या पर पूछा जा सकता है, और पांचवा भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण। ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार से इम्पोर्टेंट यहाँ पर कोरोना काल पर भी आ सकता है भाई, इस टाइम कोरोना काल के ऊपर भी निबंध आने की पूरी संभावना है। तो ये निबंध आप देख लीजिएगा, और निबंध जो आता है वो आपका आता है कितना भाई, निबंध आता है टोटल 9 अंक का, और फार्मूला कौन सा लगता है, 2+7 का लगता है, बराबर 9 अंक का। और निबंध में भैया आपको कम से कम 2-2.5 पेज लिखना रहता है। 2-2.5 पेज कैसे आप लिखोगे, हेडिंग डालकर। ठीक है, हेड आपको रूपरेखा में पहले से प्रस्तावना वगैरह वगैरह जो भी हेडिंगें हैं मेन उनको आपको पहले से ऊपर लिख देना है, क्योंकि 2 नंबर जो मिलेंगे वो वहीं से मिलेंगे आपको भैया। जो आप रूपरेखा लिखते हो ना, तो रूपरेखा को देखकर ही आपको जो है वहाँ पर अध्यापक जो है 2 अंक दे देगा, फिर उन हेडिंगों पर आपको उसके बारे में विचार व्यक्त करने हैं, तब जाके आपको 7 अंक वहाँ से मिलेंगे, और टोटल आपको निबंध में 9 अंक मिलेंगे। तो 9 अंक लाने के लिए आपको रूपरेखा बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। दूसरी बात, कोटेशन बीच बीच में आपको लिखना
भी जरूरी है, अगर आप लिख देते हो तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, आपको पूरे में पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक, जैसे बेरोजगारी की कोई समस्या है, कोई कोटेशन लिखना है, तो बीच में बढ़िया आप काले पेन से लिख दीजिए आराम से, उसके बाद फिर नीले पेन से अपनी बात स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हेडिंग आपको क्या करना है भाई, काले पेन से ही डालना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं मैक्सिमम समय ले लेता हूँ 30, लेकिन आप लीजिएगा 25 मिनट का, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, और स्पीड अपनी मेंटेन रखिएगा, क्योंकि 30 मिनट का समय लिया है भाई। ठीक, 2 पेज लिखना है, 2-2.5 पेज, कोई इतना कम समय भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर हमारा 12 होगा। प्रश्न नंबर 12 में आंसर नंबर 12 आपको डालना है, और आंसर नंबर 12 में आपको क्या करना है, आंसर नंबर 12 में संधि विच्छेद समास विग्रह पूछा जाएगा। ठीक है, तो संधि विच्छेद के 2 प्रश्न आएंगे टिक करने के लिए, स्वर संधि से आ सकता है, व्यंजन संधि से आ सकता है, विसर्ग संधि से आएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको टिक करना है वहाँ पर बस। ठीक है, और उसके बाद समास विग्रह पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जो आपके समास उनको पढ़ लीजिए, उनका विग्रह करना सीख लीजिएगा, बस आपको टिक करना है। तो टिक करने में मैक्सिमम आप यहाँ पर 5 मिनट का समय ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा समय लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उत्तर जो मैंने वो लिखिएगा, ये नहीं प्रश्न उतार के उत्तर लिखने लगो तो उसमें 10-15 मिनट लगा दो, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर जो आंसर नंबर आपका 13 होगा, आंसर नंबर 13 में आपको क्या करना है, आंसर नंबर 13 में विभक्ति वचन ये सब पूछे जाएंगे, इसमें कम से कम 7-8 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 7-8 नंबर मिलेंगे, तो 7-8 नंबर के लिए आपको मैक्सिमम 7-8 मिनट का समय बहुत ज़्यादा है बस। ठीक, इसके लिए मैंने 5 मिनट का समय लिया है बस, आपको ऑप्शन लिखना, टिक करना है बस। ठीक है, सोच समझ लीजिए, उसी में 5 मिनट के अंदर आप ये काम कर डालिए। फिर आपका अगला जो लास्ट प्रश्न आएगा, आंसर नंबर 14, आंसर नंबर 14 में आपसे ये पूछा जाएगा कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए 2 प्रश्न, 4 दिए जाएंगे, 4 में से 2 करने रहेंगे, 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। मैक्सिमम 5 मिनट का समय लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। अब हम समय को काउंट कर लेते हैं अपने, देखिए भाई 10 मिनट का समय यहाँ पर पहले 2 प्रश्नों में लगेगा, 10, 15, 15, 30, 40। ठीक है, और 40 के बाद यहाँ पर देखिए 15 मिनट का और 15 मिनट का, 40 और 30, 70। ठीक है, लेखक और कवि का परिचय 15-15 मिनट दे दीजिएगा, 70 मिनट इधर से हो गए। ठीक है, 70 और यहाँ पर 15 मिनट ले लेते हैं, और यहाँ पर 15 ले लेते हैं, 100 मिनट हो गए, और 15 मिनट यहाँ पर ले लेते हैं, 5 मिनट यहाँ पर, 120 मिनट हो गए, 120 मिनट और 15 मिनट यहाँ पर ले लेते हैं, 135 मिनट हो गए, 135 मिनट हो गए, 135 और ये 140 हो गया, 140, 5 मिनट का यहाँ से समय लिया, 140 हो गया, और 30 मिनट का यहाँ से समय लिया। ठीक है, तो 140 और 30 कितना हो गया, 170, और 5 मिनट का समय ये हो गया 175, और 5 मिनट आपको समय पढ़ने में लग जाएगा 180 मिनट, 3 घंटे का समय टोटल हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी 15 मिनट बचे उसमें क्या करेंगे, अरे वही तो आपके मेन समय है, वही तो आपका पेपर सबसे बेस्ट कराएगा। देखिए कैसे 15 मिनट, उस 15 मिनट में आपको कुछ नहीं करना, उस 15 मिनट में आपको पेपर रखना है, और पेपर से देखते जाना है कि कोई प्रश्न हमारा छूटा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मुझे आता था मैं लिख कुछ और ही रहा था। एक बार आपको क्या करना, अपनी नज़रों से पूरा देखते हुए जाना है पूरी कॉपी को, और उन 15 मिनट में पहले एक बार आप 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में देख चुकोगे, उसके बाद पटरी उठाइएगा, और जहाँ जहाँ आपने आंसर नंबर डाला उसके नीचे बढ़िया 2 लाइनें खींचेगा, प्रश्न समाप्त हुआ उसके नीचे फिर 2 लाइनें खींचिए, फिर आंसर नीचे के 2 लाइनें, फिर 2 लाइनें, प्रश्न समाप्त हुआ 2 लाइनें, ठीक है, आंसर के नीचे 2 लाइनें, फिर जीवन परिचय जहाँ पर हेडिंग डाली वहाँ पर 2 लाइनें, फिर बढ़िया बढ़िया 2-2 लाइनें, जहाँ पर उत्तर खत्म हुआ वहाँ पर आप खींचते चले जाइए। कॉपी इतनी अच्छी लगेगी देखने में, आपको सबसे ज़्यादा अंक मिलेंगे, आप बस कोई त्रुटि नहीं कीजिएगा, अपने समय का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़रूरी। ठीक है, क्योंकि अगर आप समय का सदुपयोग करोगे तो पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं, आप सभी का जो है पेपर बहुत अच्छा जाए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।